You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down, you get through the storm. Even the nights, the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. Hello guys, namaste and welcome to another vlog. Today I'm on a trip ka day 2. आज हम लोग जा रहे हैं शिमला से मनाली, लगभग 250 और कुछ किलोमीटर है, और वो करने के लिए अपने को लगने वाले अराउंड 12 आवर्स. और हम लोग का आज का दिन का शुरुआत एकदम ज़बरदस्त हुआ. सुबह 7 o'clock को हम लोग कुछ निकल गए थे, 7:30, अभी टाइम हो रहा है 10:30. 3 घंटा ज़रा भी व्लॉग नहीं किया बिकॉज ठंडी और बारिश कंटिन्यू हो रहा है. थोड़ा सा बर्फ स्नो हो गया था बीच में, उसका मैंने कुछ क्लिप्स निकाला है, वो आगे ऐड कर देता, वो आप देख लेना. ज़बरदस्त ठंडी है. उसके बाद ये दो चार नमूने इधर बैठे आजू बाजू, सब बीमार और उल्टी वगैरह कर रहे हैं. इसके लिए बोला थोड़ा खाते उसके उसी टाइम ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ. तो अभी चलो मनाली की तरफ निकल गए, रास्ते में जो जो आता है आपको दिखाता हूँ. चलो अभी ब्रेकफास्ट करके मिलता हूँ आपको. ये इसका इतना कुछ तकलीफ नहीं है. ये राइट वाली है वो उल्टी कर रही है. ये इन लोग की बड़ी बहन है, ये सबसे ज्यादा उल्टी कर रही है. और ये अभी थोड़े टाइम में कोमा में जाने वाली है. इसको अभी सीधा हम लोग भेजने वाले हैं, सीधा इसका पैकिंग कर दी है, अभी सीधा पार्सल. कोटे मुंबई 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 डायरेक्ट मुंबई हनुमान नगर. ठीक है चलो. ये देखो यही अंकल पराठा बना रहे हो. पराठा देखो क्या भट्टी में बांध रहे हैं, एक नंबर इसमें पराठा बनने वाला है. और ये पूरा व्हाइट मक्खन जबरदस्त. पंजाब में आके यही सब खाने का मजा है. गया पहली बार मैंने पराठा ऐसा बनते हुए देखा है. मस्त. अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, अभी इन लोग का रील बनाने का प्लानिंग चालू है. एक रील शूट करते हैं और फिर निकल जाते हैं. जी भर के जी ले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा. यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हसी. अभी मंडी क्रॉस किया है, अभी इधर से कुछ 110 किलोमीटर है मनाली. अभी कितना 12 बज गए, 20 में गिरा. लंच के लिए उतरेंगे, लंच करेंगे उसके बाद सीधा मनाली पहुंच जाएंगे. आज देखते हैं अगर कुछ टाइम मिला तो मनाली में मॉल रोड घूम लेंगे, वो तो आपको आगे ब्लॉग में दिखेगा ही. बाकी सब लोग मजे कर रहे हैं आज. देखो काली आई एम फाइन नाउ. हनी बग ये कोमा से बाहर आ गई है. ये कोमा अभी सबको अच्छा लग रहा है, कभी मजा आ रहा है. ज़्यादा कल पूरा थक गए थे इसके लिए, कल कोई गाड़ी में मज़ा नहीं किया. आज भी मॉर्निंग बहुत जल्दी होते ना, तो अभी थोड़ा थोड़ा रेस्ट हुआ है सब लोग का, तो अभी मज़ा आ रहा है. अभी गाड़ी में भी मजा आ रहा है हम लोग. You don't see the things I see. Tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places call. Oh,
कुल्लू पहुंचने के जस्ट 17 किलोमीटर पहले एक रिवर राफ्टिंग का पॉइंट है, पहला एक्टिविटीज कर रहे हैं हम, एक्टिविटीज कर रहे हैं और सामने स्नो कैप माउंटेन दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो पहला स्नो कैप माउंटेन हम लोग को दिख रहा है, एक नंबर। टेम्परेचर थोड़ा भी गिरना चालू हो गया है, अभी हम लोग इधर शायद रिवर राफ्टिंग करेंगे, देखते रिवर राफ्टिंग वगैरह का रेट है, अगर अपने को जमा तो सब लोग अभी रिवर राफ्टिंग करेंगे। देखो अभी सब लोग खुश हो गए, एक नंबर, मजा आ रहा है इधर घूमने। अभी ये अंदर दिखा रही वीडियो रिवर राफ्टिंग, वीडियो कौन कर रहा है अभी, तू करना वीडियो, देखो कैमरा रहता है पायलट का पास ना, उसके साथ लाया तूने, आप बताओ थोड़ी ना इसमें राफ्टिंग करेगा भाई, इसमें एक कपल जाते हैं हमारा भाई, वो होटल बोर्ड का चार्ज लगाऊंगा मैं 4-4% के लिए, कपट कट कर आटा। वही रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का प्लान तो बन गया था, रेट भी ऑलमोस्ट अपने को जो चाहिए था वो मिल रहा था, पर क्या मौसम ने अपना साथ नहीं दिया। देखो आपको देख सकते मौसम पूरा धुंधला धुंधला हो गया तो उन्होंने कैंसिल किया, बोल रहे कल आने के लिए, देखते कल मन किया तो इधर आ जाएंगे, नहीं तो आगे कुल्लू मनाली उधर किधर जाएंगे। इधर से कुल्लू है 17 किलोमीटर, तो अभी कुल्लू जाएंगे कुछ ना खाना खाएंगे, फिर उसके बाद मनाली होटल में जाएंगे। इधर अभी से ठंडी बढ़ गई, बाकी सब लोग इधर खड़े चाय का आनंद ले रहे। जैसे अभी कुल्लू पहुंच गए, इधर मस्त खाना खाते और निकलते, और अपने को आज अपना होटल है। देखो उधर ये स्नो कैप माउंटेन दिख रहा है, इधर कहीं तो अपना होटल है, ये स्नो कैप माउंटेन्स के वहीं पे कहीं अपना होटल है, तो शायद गाड़ी जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, अगर नहीं जाएगा तो अपना गाड़ी नीचे रुकेगा, होटल वाला गाड़ी भेज देगा जिप्सी, उसमें से एक अलग एक्सपीरियंस मिल जाएगा अपने को। ठीक है अभी खाना खाते सब लोग, मस्त इधर उतर गए, गाड़ी का हालत देखो सब लोग मस्त इधर उतर गए, इन लोग का फोटोशूट हर बार चालू रहता है। चलो खाना खाते फिर मिलते। ठंडी बढ़ गया, खाना खाने का रुके, ठंडी बढ़ गया, कितना बजा 5:38 हुआ, अभी ठंडी टेम्परेचर नीचे गिरते जाएगा। पीछे ही देखो आउटलेट है शॉल का, कुल्लू में शॉल फेमस है, तो शॉल देखने जाता हूँ, अगर कुछ रहेगा अच्छा खासा तो मम्मी के लिए ले लेंगे। चलो शॉल देखते, देखो कुछ ऐसे इस तरह से शॉल दिख रहे इधर, क्या प्राइस है शुक्रिया? 200 से स्टार्ट है, 200 पासून स्टार्ट है। चलो फोन करते घर पे पूछते हैं मम्मी को, चलेगा तो ले लेते, मस्त शॉल पसंद आया, सब लोग का शॉपिंग हो गया, अच्छा अच्छा शॉल अच्छा मिला। चलो अभी जाना है मनाली, यहाँ से 40 किलोमीटर है, वो मजबूत बर्फ पड़ा है, ऊपर सुनने आया, चलो देखते। बस अभी जस्ट मनाली होटल पहुँचे, वेस्टर्न लॉरेन होटल है, पीछे दिख रहा है आपको होटल, जबरदस्त है, देखो पीछे डीजे नाइट है होटल में, हर रोज रात को रहता है, ठंडी मजबूत है, आपको होटल का एंट्रेंस दिखा दूँ। चलो होटल में आ गए, रूम मिल गया, चलो देखते रूम कैसा है। तनु ते ओपन कर, ये देखो रूम इतना छोटा है पर एक नंबर रूम है, एक नंबर रूम, और वाह बालकनी है रूम में जबरदस्त। हाँ तुम के साथ लुक, और सुबह का व्यू जबरदस्त आने वाला है यहाँ से, ए स्नो, और देखो नीचे आपको स्नो दिख रहा है, आणि व्यू इकडून सेक्सी आहे, समोर स्नो कॅप माउंटेन असणार सकाळी, आणि बघ खाली स्नो ऑलरेडी आहे, जबरदस्त आहे, सब लोग इधर ही आ गए, स्नो दिखातो हे देखो, फिर उसके बाद आपको वॉशरूम दिखाता, वॉशरूम वॉशरूम तो सीधा साधा है, ये मस्त ऐसा व्यू आ रहा है, और ये हमारे रूममेट, रूममेट नहीं तुम्हें कौन लगना थे, जो भी है
समझ जाना कौन जबरदस्त विद्या भाई उधर स्नो कैप माउंटेन दिसना समोर मस्त अभी रूम में से फ्रेश होने का अभी खाना खाने जा रहे हैं हम लोग का रूम सेकंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे खाना है स्पाइस मिस्टी करके होटल का कुछ नाम है उधर जाके खाना खाते सब बुक कर लो लाइन से आए थे चलो खाना खाते देखते पड़ा खाने में क्या है ये चिकन है नेक्स्ट ब्रो नेक्स्ट फ्रूट कस्टर्ड है वाह मस्त इसमें नूडल्स से दिख रहे हैं आलू का भाजी नेक्स्ट वन पनीर दिस इज दाल दिस इज राइस एंड पुलाव एंड दिस इज सलाद डिनर इज लुकिंग डिलीशियस एंड यम्मी चलो खाते बहुत भूख लगा है और हम लोग को बैठने के लिए स्पेशल रूम दिया है जबरदस्त होटल एकदम जबरदस्त है आपने होटल का टूर तो देख ही लिया रूम टूर एक नंबर है मस्त अभी डिनर करके आ गए अभी एक रूम में सब लोग बैठ गए पत्ता इधर पत्ते का डाल चालू है बाद में और कुछ देखते हैं आज का लाइट मचाने गए दो लोग इधर बैठे देखो काली को देखो और इसकी बहन को देखो